मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी डाउट का करिए सफाया डाउटनेट ऐप के साथ। कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींचो, स्कैन करो और मात्र 3 सेकंड में सॉल्यूशन पाओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए डाउटनेट ऐप को। क्लास 6 से 12 नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस सारा डाउट का सॉल्यूशन मात्र आपको 3 सेकंड में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है, वहां से भी आप कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मात्र 3 सेकंड में पा सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो नए सत्र में नामांकन दिए BSc BCom में लेने जा रहे हैं, उनका सेकेंड मेरिट लिस्ट जो जारी हुआ है, तो स्टूडेंट का बार बार एक ही डाउट है कि सर एक पेमेंट करके दिखा दीजिए। देखिए, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था तो मैंने पेमेंट का 2 वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते थे, लेकिन बहुत सारे छात्रों का डिमांड था तो हम लोग इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में एक बच्चे का पेमेंट करके दिखाएंगे। तो इसको जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, आपका एक एक बातों का हम लोग कंसर्न रखते हैं। पेमेंट का ऑलरेडी वीडियो बना है, लेकिन आप लोग के डिमांड पर ये वीडियो आ रहा है, तो हमें अप्रिसिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करके 5 ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप पर जो भी आपको नोटिस होता है वहां पर हम लोग डाल देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाके लिखना है यहाँ पर एडमिशन VKSU, क्या लिखना है, एडमिशन VKSU, और इसको आपको सर्च कर लेना है। इसको जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें आपको नीचे आना है और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एडमिशन 2020-21 वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आ रहा, इस पर आपको क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ से देखिए एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है और एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करके यहाँ पर यूजर नेम पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन पर क्लिक करना है। तो चलिए इतना फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर यूजर ID पासवर्ड और कैप्चा को डाल लिया है। अब चलिए यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहां से देखिए यहां पर जो दिखाई दे रहा है व्यू मेरिट सिलेक्शन, देखिए यहां पर आपको क्लिक कर देना है, या आप नीचे से भी कर सकते हैं। यहां से भी देखिए नीचे जाके व्यू मेरिट स्टेटस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपका जो भी कॉलेज में मिला है आप एडमिशन ले सकते हैं। इनको MV कॉलेज महर्षि विश्वामित्र महाविद्यालय बक्सर में मैथमेटिक्स ऑनर्स मिला है, तो इनको यहाँ पर एडमिशन लेना है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोसीड फॉर पेमेंट दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कैसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इनका फी एग्जेम्प्टेड है, मतलब इनका कोई फी नहीं लग रहा है। तो फी एग्जेम्प्टेड का मतलब आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा, ST SC या गर्ल्स कैटेगरी का ऐसा शो हो रहा है। इसके बाद देखिए इनका तो फी एग्जेम्प्टेड है, तो यहाँ पर फी एग्जेम्प्टेड 0 और आज का यहाँ पर आपको डेट दिखाई दे रहा है। अगर आपको फीस लग रहा है, मान लीजिए कुछ भी आपका 1,000-1,500 जो भी रुपया लग रहा है, तो उसको आपको गूगल पे, किससे, गूगल पे, फोन पे, इससे आपको जमा कर देना है। और जमा करने के बाद आपको एक UPI ID मिलेगा। क्या मिलेगा, UPI ID सबसे ऊपर रहता है, उस UPI ID को यहां पर डाल देना है। जितना भी फीस आप जमा किए हैं उसको यहां पर डाल देना है। उसके बाद पेमेंट का डेट, जिस दिन पेमेंट किए हैं, यहां पर आपको डाल देना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से मैंने एक बच्चे का फी पेमेंट किया है, उनका 1546 रुपया जैन कॉलेज में लग रहा था, तो देख लीजिए इसमें आपका फी एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद देखिए इसमें नीचे आना है। अब देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, आपका 500 नंबर का जो एग्जाम होता है उसमें आपका Part 1 Part 2 में 200 का आपका ऑनर्स होता है। क्या होता है, 200 का आपका ऑनर्स होता है, 200 का आपका सब्सिडरी होता है, 100 नंबर का आपका कंपोजिशन होता है। वही आपका Part 3 में ये डबल हो जाता है, मतलब 400 का ऑनर्स और 100 नंबर का GS होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक कंपोजिशन लेना होगा, इनको हिंदी 100 मार्क्स कंपोजिशन लेना है। तो यहाँ पर हिंदी कंपोजिशन 100 मार्क्स पर हम लोग क्लिक कर दिए। उसके बाद इनका ऑनर्स में मैथ है, क्या है, मैथ, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स हम लोग सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सब्सिडी में इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री लेना है, तो यहाँ से चलिए हम लोग फिजिक्स चूज कर लिए और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लेते हैं, यहाँ से केमिस्ट्री। तो देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और हिंदी कंपोजिशन इनका चूज हो गया। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर इंटर कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर कैप्चा को इंटर कर लेते हैं।
यहाँ पर जैसे ही कैप्चा डालिएगा उसके बाद आपको सबमिट डिटेल्स टू कॉलेज पर क्लिक कर देना है। इसके बाद बोलता है आर यू श्योर यू विल नॉट बी एबल टू चेंज दिस एंट्रीज अगेन, मतलब जो भी आप यहाँ पे एंट्री किए हैं सोच समझ के किए हैं ना, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, तो किए हैं तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने का ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फी पेड वेटिंग फॉर कन्फर्मेशन बाई कॉलेज, मतलब आपका पूरा डिटेल्स हो गया है, फी पेड हो गया है, अब आपको कॉलेज के तरफ से इसको वेरीफाई किया जाएगा और एक से दो दिन में वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एडमिटेड लिखाई देगा, क्या लिखाई देगा, एडमिटेड। इसके बाद आपको जब एडमिटेड दिखाई देने लगेगा तो इसके बाद आपको एक से दो सप्ताह में कॉलेज में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना होगा। ऐसे आपका एडमिटेड दिखाई देगा तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एडमिशन स्टेटस पर क्लिक करना है, और एडमिशन स्टेटस पर क्लिक करके जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी है, जैसे मान लीजिए इनका 20G00773 है, इसमें 20G हटा के जो भी आपको आ रहा है उसको डाल के सर्च करके एडमिशन स्टेटस को चेक कर लेना है। और एडमिटेड जैसे ही दिखाई देगा उसके बाद एक से दो सप्ताह बाद आप अपने कॉलेज में संपर्क कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही कंप्लीट एडमिशन माना जाएगा। जो भी छात्र पूछ रहे थे कि सर एडमिटेड के बाद क्या करना है, तो एडमिटेड के बाद आपको अपने कॉलेज में जाना है, कॉलेज के वेबसाइट चेक करते रहना है, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग से एक बार कॉलेज बुला लेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।